अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारी इस चैनल का लेक्चर नंबर 78 है, लेकिन ये इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इससे पहले 77 लेक्चर्स में हमने बेसिक गाइडलाइन के ऊपर बात की, बेसिक सीएसएस के रिगार्डिंग स्ट्रेटजीज की बात की, फिर हमने करंट अफेयर, पाक अफेयर, इंडो पाक हिस्ट्री और ऐसे राइटिंग के पेपर को के पेपर से मतलब का जो कंटेंट था उसको कवर किया पिछले लेक्चर में। आज हम उस स्कोप को वाइड करते हुए इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन की स्ट्रेटजी, इसके सिलेबस के ऊपर बात करेंगे कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस पेपर की तैयारी करते हुए, क्योंकि ये इतना अहम पेपर है कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं वो इसी पेपर में फेल होते हैं या फिर ऐसे में फेल होते हैं। तो ऐसे राइटिंग और प्रेसी एंड कंपोजिशन जो है बहुत की पेपर है, बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इसी में फेलियर रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अपनी जो फाइंडिंग है, अपना एक्सपीरियंस जो है और जिस तरीके से मैंने इसकी प्रेपरेशन की थी वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये जो पेपर है ये आपकी लैंग्वेज स्किल के ऊपर बेस करता है और ज़्यादातर ये स्किल बेस्ड पेपर होता है, लेकिन इसमें 20% या 30% ऐसा कंटेंट आता है जो कि क्रैमिंग के ऊपर बेस करता है, मसलन वोकेबलरी है, सेओनम है, एंटोनम है और इडियम्स हैं। यानी ये जो पोर्शन है 25-30% या 20%, ये वो पोर्शन है जिसके बारे में आप सर्टन नहीं हो सकते। आप जितनी भी एफर्ट पुट कर लें, इन दी एंड हो सकता है कि उनमें से जो आपने तैयार किया वो कुछ भी ना लगे, लेकिन जो सबसे रिलायबल पोर्शन होता है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन का वो पोर्शन है जो कि स्किल बेस्ड है, जिसमें आपके पास मार्जिन होता है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड है तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसमें सर्टेनिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू क्रैमिंग पोर्शन। लिहाजा मैं इसमें सजेस्ट ये करता हूँ कि आप 80-20 रूल को फॉलो करें। इसका मतलब ये है कि आप 80% तवज्जो, 80% टाइम जो है वो स्किल बेस्ड पोर्शन के ऊपर दें और 20% अपनी तवज्जो और टाइम जो है वो क्रैमिंग वाले पोर्शन पे दें, ताकि ज़्यादा गैम्बलिंग आप ना करें, क्योंकि जो लोग ज़्यादा इसमें अपनी एफर्ट डाल रहे होते हैं ईडीएम्स में, वोकैबुलरी में, वो एक तरह की गैम्बलिंग है, क्योंकि आप मैक्सिमम उसमें डाल रहे हैं और लैंग्वेज बेस के ऊपर जो स्किल बेस है उसके ऊपर कम फोकस कर रहे होते हैं। तो लिहाजा 80% जो आपकी अटेंशन है That should be towards your language skills. तो ये है syllabus. The examination in this subject will be based upon a paper carrying 100 marks to test the candidate's ability to handle pressy writing, comprehension, sentence structuring, translation, grammar and vocab. तो syllabus में सबसे पहले जो चीज़ है वो है pressy writing. Pressy writing 20 marks की होती है. A careful selected passage with an orientation of generic understanding and enough flexibility for comprehension, for compression shall be given for precising and suggesting an appropriate title. 20 नंबरों का ये पेपर, ये क्वेश्चन होता है, जिनमें से 15 नंबर जो हैं वो प्रेसी के आते हैं, 5 नंबर जो हैं वो टाइटल सजेस्ट करने के होते हैं। और ये जो 5 नंबर हैं ये टाइटल के हैं, अगर आपसे टाइटल ना भी मांगा जाए तब भी आपने टाइटल जो है वो ज़रूर देना है, और टाइटल जो है वो हर सूरत देना है। इसके बारे में हम सेपरेट लेक्चर में बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्रीहेंशन की। कंप्रीहेंशन का जो पेपर है ये भी 20 नंबरों का है। ए केयरफुली सिलेक्टेड पैसेज दैट इज रिच इन सब्सटेंस बट नॉट वेरी टेक्निकल और डिसिप्लिन स्पेसिफिक शैल बी गिवन फॉलोड बाई 5 questions each carrying 4 marks. ये याद रहे कि प्रेसी राइटिंग के ऊपर हम सेपरेट लेक्चर करेंगे, ये तो हम आपको वैसे स्ट्रेटजी बता रहे हैं, और कम्प्रीहेंशन के ऊपर भी हम सेपरेट लेक्चर करेंगे। तो कम्प्रीहेंशन का एक जनरल पैराग्राफ आएगा जिसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होंगे, यानी 20 नंबर का ये क्वेश्चन है। ये भी स्किल के ऊपर आपकी बेस करेगा, कम्प्रीहेंशन स्किल के ऊपर। इसके बाद है ग्रामर एंड वोकैब, 20 मार्क्स की। ये है करेक्ट यूजेज ऑफ टेंस, आर्टिकल, प्रपोजिशन, कंजक्शन, पंक्चुएशन, फ्रेजल वर्ब। इसमें यहाँ तक तो बात जो है ना ये है आपकी लैंग्वेज स्किल के ऊपर, लेकिन जो सेनोम एंटोनम्स हैं
ये मोस्टली वो हैं जो कि आप की वोकैबुलरी के ऊपर बेस करेंगे। और अगेन ये भी एक तरह की गैम्बलिंग है, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा आपने टाइम इंटेलिजेंटली यूज़ करना है, सारा टाइम इनको नहीं देना। तो जो ओवरऑल वोकैबुलरी है, जो पॉपुलर वोकैबुलरी है, वो तो आपकी बिल्ड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और वो कैसे करनी है उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहला टूल इसका ये है कि आप डिक्शनरी यूज़ करें। ये बात हम पहले भी अपने जो इनिशियल लेक्चर्स हैं उसमें कर चुके हुए हैं कि उस टाइम डिक्शनरी यूज़ करनी चाहिए जब आप किसी भी नए वर्ड को या अनफेमिलियर वर्ड को देखते हैं या जिनके मीनिंग आप क्लियर नहीं होते, उसके लिए आप डिक्शनरी ज़रूर यूज़ करें। और डिक्शनरी भी वो यूज़ करें जिसमें सेंटेंस में यूज़ दिया गया हो वर्ड का मीनिंग भी साथ हो, ये भी साथ लिखा हो कि एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, और साथ ये भी कि उसके सेंटेंसेस जो सैम्पल सेंटेंसेस हैं वो भी दिए गए हों। फिर एक टर्म है फैमिली ऑफ वर्ड। आप एक वर्ड को जब डिक्शनरी में देखने जाते हैं तो बजाय इसके कि एक वर्ड को देखने के उसकी पूरे फैमिली को देखें, उसके डेरिवेटिव्स होते हैं वो हम आगे बात करते हैं। जैसा कि ये है, जैसा कि एक्ट से बनता है, एक्ट ऑफ गॉड, एक्टिंग, एक्शन, एक्शनेबल, एक्शन ग्रुप, एक्शन पैक्ट, एक्टिवेट, एक्टिव, एक्टिवलिस्ट, एक्टिव सर्विस, एक्टिविस्ट, एक्टिविज्म, ये सारे वर्ड जो हैं ये एक ही वर्ड से निकले हैं, वो है वर्ड एक्ट। और एक्ट जो है इससे इस इससे इसकी ये फैमिली है, ये पूरे वर्ड जो है। तो आप एक वर्ड को जब देखने जाए तो उसकी पूरी फैमिली देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वर्ड्स किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, सेंटेंस में यूज किस तरह हो रहे हैं, और फिर आप इनका एडजेक्टिव, नाउन वगैरह, एडवर्ब ये देख लें कि क्या नेचर है इसकी। और आप साथ साथ वोकैबुलरी रजिस्टर भी मेंटेन कर सकते हैं, जैसे मुश्किल वर्ड्स को आप वहां पे लिखते जाएं, उनके मीनिंग या उनके सेंटेंसेस लिखते जाएं। फिर एक चीज है कि आप ये देखें कि वर्ड जो है ये वर्ब है, नाउन कैसे बनेगा, एडजेक्टिव कैसे होगा, एडवर्ब कैसे होगा, ये चीजें चेक करनी है। फिर इनका एक और चीज देखनी है, वो है कि इसका सेंटेंसेस में यूज देखें, जो कि मैंने आपको बताया कि किस सेंस में यूज हुआ है। बाज़ औक़ात एक ही वर्ड के डिफरेंट मतलब होते हैं, डिफरेंट मीनिंग होते हैं, वो पता चलता है कि वो सेंटेंस में किस सेंस में यूज हुआ है। फिर आप इस तरीके से आप अपनी बिल्ड अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करें। वोकैबुलरी वही है जो आप नेचुरली बिल्ड करते हैं। बी ए वरेशियस रीडर एंड राइट एट लीस्ट 2 पैराग्राफ्स अ डे। हर रोज आपने 2 से 3 पैराग्राफ लिखने हैं। जब आप अपनी वोकैबुलरी को राइटिंग में ले आएंगे, अपनी अपनी लैंग्वेज का हिस्सा बनाएंगे, तभी वो आपकी जो आपकी नेचुरल वोकैबुलरी जो है उस तरीके से बिल्ड होगी। तो वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए ये डिक्शनरी का यूज करना, नोट करना, तवज्जो देना, और उसके बाद फिर लिखना जो है, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये हम बात कर चुके हैं कि जब भी वर्ड को देखना उसकी पूरी फैमिली को देखें। उसके बाद हम बात करते हैं डिक्शनरी में फ्रेजल वर्ब क्या होते हैं। फ्रेजल वर्ब लेट से एक वर्ब है, उसके साथ डिफरेंट जब प्रपोजिशन लगती हैं तो उनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, इनको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसा कि लुक इन टू है, लुक आफ्टर है, लुक अहेड है, लुक अराउंड, लुक एट समथिंग, लुक बैक ऑन योर चाइल्डहुड। यानी जब आप एक वर्ड के साथ डिफरेंट प्रपोजिशन लगाएंगे तो एक वर्ब के साथ, तो उसको हम कहेंगे फ्रेजल वर्ब। हर प्रपोजिशन उसको उसका मीनिंग चेंज कर देगी। तो अगर आपको ये इस्तेमाल करना आ गया अपनी राइटिंग में और उसका सेंस समझ आ गई फ्रेजल वर्ब की, तो इससे आपकी इंग्लिश की राइटिंग और एक्सप्रेशन आपका बहुत बेहतर होगा। बेसिकली फ्रेजल वर्ब का आपकी राइटिंग में इस्तेमाल ये शो करता है कि आपकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड है। डिक्शनरी यूज करते हुए, वोकैबुलरी बिल्ड करते हुए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने इस असूल को याद रखना है, द मोर ट्रबल यू टेक द ग्रेटर रिवार्ड यू हैव। जितना आप अपने आप को ये मेहनत में डालेंगे, मुश्किल काम करेंगे, किताब पढ़ रहे हैं, क्रिमिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट, इंडो पाक हिस्ट्री कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, चाहे कंपलसरी है चाहे ऑप्शनल है, जो भी मुश्किल वर्ड है उसको डिक्शनरी में इसी सूर के तहत देखें। भले आपको इसमें कितना ही इसको ये आपको इनकन्वीनियंट फील हो, बट आपने ये करना है। देर इज नो शॉर्टकट टू बिल्डिंग वोकेबलरी। द बेस्ट स्टेप टू डेवलप योर वोकेबलरी इज टू राइट रेगुलरली इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, क्योंकि पैराग्राफ ही आपकी राइटिंग की बेस है। ऐसे राइटिंग में हो, आपका ऑप्शनल हो, जो भी हो, उसमें पैराग्राफ फॉर्म में आपने लिखना है, और हमेशा आप कोशिश करें कि अपनी वोकेबलरी को अपनी राइटिंग में लेके आए। अब हम आगे, ये तो हमने बात की वोकैबुलरी की, 10 नंबर की होगी सेंटेंस कोरेक्शन। समटाइम ये 5 नंबर की होती है, समटाइम 10 नंबर की होती है। इतना एक आगे पीछे 19-20 हो सकता है। दी सेंटेंसेस शैल बी गिवन ईच हैविंग ए क्लियर स्ट्रक्चरल फ्ला इन टर्म्स ऑफ ग्रामर और पंक्चुएशन। कोई उनमें फ्ला होगा और आपको कहा जाएगा कि आप उनको रीराइट करें
बट सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर आपने चेंज नहीं करना, जहां जहां पे जरूरत हो वही चेंज करना है। बाज़ औक़ात कुछ कैंडिडेट ऐसा करते हैं कि वो पूरे सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर देंगे, तो वो रिक्वायर्ड नहीं है। आपने उसमें देखना है कि मिस्टेक क्या है, क्या गलती है, उसको आपने दुरुस्त करना है। कहीं पे कुछ मिसिंग होगा, कहीं पे कुछ पंक्चुएशन मार्क्स की गलती होगी, तो वो आपने दुरुस्त करनी है। फिर आता है ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स। ग्रुपिंग ऑफ वर्ड में ये सेवनम एंटोनिम्स होंगे। आम तौर पर ये पोर्शन जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और ये 20 मार्क्स का होता है। और यही बात मैं करता हूँ कि ये जो पोर्शन है ये आपका लक है कि कितना लगता है, लेकिन आपने वो कलरी बिल्ड करते रहना है साथ साथ। पेयर ऑफ वर्ड्स 10 नंबर के, 10 पेयर शेल बी गिवन ऑफ सीमिंगली सिमिलर वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स जनरली कंफ्यूज इन कम्युनिकेशन फॉर ब्रिंगिंग आउट द डिफरेंस इन मीनिंग ऑफ एनी 5 ऑफ देम बाय फर्स्ट एक्सप्लेनिंग देम इन पैरेंथेसिस एंड देन यूजिंग देम इन सेंटेंसेस। उनको आपने एक्सप्लेन भी करना है, मीनिंग बताना है, देन उनको यूज करना है सेंटेंसेस में। फिर 10 नंबर की आएगी ट्रांसलेशन। 10 शॉर्ट उर्दू सेंटेंसेस इन्वॉल्विंग स्ट्रक्चरल कंपोजिशन सिग्निफिकेंट टर्म्स एंड फिगुरेटिव इडियोमेटिक एक्सप्रेशन शैल बी गिवन टू बी करेक्टली ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। उर्दू में दिया गया होगा उसको आपने इंग्लिश में करना होगा ट्रांसलेट। लेकिन ये जो नंबरिंग है थोड़ा सा ही आगे पीछे पेपर में होती आई है, हो सकती है 19-20 के फर्क से, जैसा कि कभी इडियम आ जाते हैं 10 नंबर के, कभी आ जाते हैं पेयर ऑफ वर्ड। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। मैंने ये डिफरेंट पेपर देखे हैं 2016 से लेकर 2021 तक, 6 सालों के, जो कि नए सिलेबस के मुताबिक आए हैं। तो इसमें मैंने देखा है कि प्रेसी 20 नंबर की आती है, कॉम्प्रिहेंशन 20 नंबर की आती है, करेक्शन 5 नंबर की होती है या 10 नंबर की भी हो सकती है, पंक्चुएशन 5 नंबरों की आ सकती है, प्रेपोजिशन 5 नंबरों की होती है, प्रेपोजिशन आएगी या आएगी एनालॉजी। एनालॉजी जो है वो होती है कि एक कैपिटल में लिखा होता है, पेयर दिया होता है, उनका आपस में जो रिलेशनशिप है। नीचे फिर 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से जो उस एनालॉजी से मुतलका लिंक है, रिलेशनशिप है, वही आपने बिल्ड करना है। इनके ऊपर भी हम बात करेंगे। कभी कभी एनोलॉजी आती है, कभी कभी प्रेपोजिशन आती है, कभी कभी आ जाता है कि री राइटिंग दी डायरेक्ट स्पीच इन टू ए पैराग्राफ, यानी इनडायरेक्ट में लिखना होता है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में एक पैराग्राफ हमें लिखना होता है, और कभी इसके साथ एनोलॉजी भी आ जाती है, या ये आएंगे या वो आएंगे, यानी इन तीनों में से कोई एक चीज आ सकती है या 2 चीजें आ सकती हैं, एनोलॉजी, री राइटिंग द डायरेक्ट स्पीच इन टू इनडायरेक्ट और पैराग्राफ और प्रेपोजिशन। इन 3 चीजों में से 2 चीजें आमतौर पे आती हैं। पेयर ऑफ वर्ड्स 5 नंबर के, कभी ये 10 नंबर के हो सकते हैं, अगर 10 नंबर के होंगे तो फिर इडियम आमतौर पे नहीं आते। इडियम 5 नंबर के हो सकते हैं, अगर ये 10 नंबर के आ जाए तो फिर पेयर ऑफ वर्ड्स नहीं आएंगे। ट्रांसलेशन 10 नंबर की होती है, और आखिर में आता है क्रैमिंग पोर्शन, जिसमें हम बात करते हैं वोकैबुलरी और सिनोनिम एंटोनिम, जो कि ऑब्जेक्टिव पोर्शन कैसा होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वोकेबलरी 20 नंबरों की, ईडियम 5 नंबरों के, और 5 नंबर की जो है एनालॉजी, जिसको मैंने रेड मार्क किया हुआ है, ये तकरीबन 20 से 25 या 30 नंबर बनते हैं, जिसमें आपने इनको नज़रअंदाज नहीं करना, इनके ऊपर उतनी मेहनत ज़रूर करनी है जितनी कि ये डिज़र्व करते हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं देना कि आपका जो स्केल बेस्ड पोर्शन है, जिसमें प्रेसी है, कंप्रिहेंशन है, करेक्शन है, पंक्चुएशन, प्रेपोजिशन, ये जो पोर्शन है ये मुतासिर ना हो, क्योंकि ये हो सकता है कि आपने बहुत तैयारी की हो वोकैबुलरी की और उसमें से फिर भी आपको मुश्किल लगे, या उनमें से जो आपने तैयार किया अटेम्प्ट उसमें से डिफरेंट डिफिकल्ट वर्ड या और वर्ड आ जाए, अनसीन आ जाए। तो गैमलिंग में नहीं पढ़ना। 80-20 रूल का मतलब ही यही है कि 80% आपने तवज्जो देनी है अपनी स्केल पोर्शन को, जो कि प्रेसी, कंप्रिहेंशन, करेक्शन, पंक्चुएशन, प्रेपोजिशन, ये डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, पेयर ऑफ वर्ड और ट्रांसलेशन पे मुश्तमिल है, और ये इसमें मोस्टली आपकी वोकेबलरी की स्केल जो है वो इन्वॉल्व होंगी। और दूसरी ये जो इस तरह की वोकेबलरी है, जिसमें जिसको हम बोलते हैं सेवनम एंटोनेम या इडियम्स या एनालॉजी, ये आपने इसको 20% तवज्जो और टाइम देना है, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं ज़्यादातर टाइम वोकेबलरी, ईडियम्स और एनालॉजी पे सर्व कर देते हैं और अपने स्केल पोर्शन पे तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग कर जाते हैं और अक्सर
नुकसान उठाते हैं। ये है 2021 का पेपर, इसमें हम देखते हैं कि रिसेंट पेपर कैसे आया। ऑब्जेक्टिव पोर्शन 20 मार्क्स का था, सेवनम थे, एंटोनम थे। प्रेसी 20 मार्क्स की, कॉम्प्रीहेंशन 20 मार्क्स की, करेक्शन 10 मार्क्स, पंक्चुएशन 5 मार्क्स, प्रेपोजिशन अगेंस्ट 5 मार्क्स, पैरा फॉर 10 नंबर और ट्रांसलेशन 10 नंबरों की। तो ये पैटर्न आया। और मुसर बात वो ये है कि आप इस पैटर्न पे जारी करें कि अपनी लैंग्वेज स्किल के ऊपर भरपूर तवज्जो दें और जो क्रैमिंग पोर्शन है, वोकैबुलरी, इडियम्स वगैरह और एनालॉजी, इसको 20-30% टाइम और तवज्जो देनी है आपने। तो होपफुली आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर।